Hello friends, today we are going to discuss about Lala Lajpat Rai. तो एक इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल छपा हुआ है, पब्लिश हुआ है लाला लाजपत राय के बारे में. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट और इन इंडियाज हिस्ट्री, स्पेशली इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से थे. तो बेसिकली आर्टिकल में तो कई सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, बट अपने काम की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. हिज कंट्रीब्यूशन एंड हिज स्ट्रगल फॉर द नेशनल मूवमेंट. तो ये बेसिकली पंजाब प्रांत से आते थे, एंड विच इज़ आल्सो डिस्कस हियर कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था. ही वॉज बॉर्न इन समवेयर अराउंड 1865 नियर बाई लुधियाना पंजाब. एंड देन सबसे पहले इनके जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया था कि कैसे इन्होंने जो है जो दयानंद सरस्वती जी थे और हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज. तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि जो ये साहब थे लाला लाजपत राय जी, ये दयानंद सरस्वती के जो डीएवी कॉलेज की स्थापना होती है या जो डीएवी स्कूल ऑफ थॉट्स है उससे ये एसोसिएटेड थे. ओके, तो और इन्होंने लाहौर में, ठीक है, ही आल्सो ओपेंड अ डीएवी कॉलेज इन लाहौर एंड रिमेंड कमिटेड एजुकेशनलिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ. ये एजुकेशन को प्रमोट करते रहे, जिस प्रकार से दयानंद सरस्वती का फाउंडर आर्य समाज जो है एजुकेशन के प्रमोट करने में हेल्पफुल हुआ करता था. एंड देन आफ्टर मार्थ ड्यूरिंग द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1893 ये बाल गंगाधर तिलक से मिलते हैं, और उसके बाद में धीरे इनसे इनकी मुलाकात बिपिन चंद्र पाल से होती है, और ये लाल बाल पाल की तीनों की जो है जोड़ी उभर कर चली जाती है, विच प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन हिस्ट्री. तो यहाँ पे 1893 का जो एक्ट है, सॉरी जो सेशन है कांग्रेस का INC का, उसके बाद ये तीनों की जोड़ी जो है एक रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ती है. और इससे पहले मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और डिस्कस कर दूँ कि जैसे आपको पता है जब पंजाब में जो एक्सट्रीमिज्म का जो पूरा एकदम पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट को जो इन्फ्लुएंस किया है वो मेनली दो व्यक्ति हैं, एक है लाला लाजपत राय एंड दूसरे हैं अजीत सिंह एंड दूसरे जो है लाला लाजपत राय. अब अजीत सिंह कौन थे? अजीत सिंह इज अंकल ऑफ भगत सिंह. ठीक, तो इन दोनों ने मिलके काफ़ी काम किया था, खासकर जो वहाँ के किसान थे उनकी जो हालत थी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था, और जो उस समय बंगाल में जो मूवमेंट चला था बंगाल के डिवीज़न को लेकर, तो इसको अजीत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने ही पंजाब में इसको लीड किया था. और वहाँ पे कुछ सोसाइटी, जैसे एक सोसाइटी का नाम था अंजुमन ए मोहिशबान, ये सोसाइटी बनाते हैं, इसमें दोनों लोग काम करते हैं, एंड एक जर्नल भी निकालते हैं, एक जर्नल जिसका नाम रहता है भारत माता एक जर्नल होता है. तो इस जनरल के थ्रू भी अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक, और इनके साथ कई और लोग भी होते हैं, जैसे सैयद हैदर रजा हो गए, भाई परमानंद हो गए, एंड रेडिकल उर्दू पोएट लालचंद. ठीक, लालचंद या इनको फलक के नाम से भी कहा जाता है, फलक. ठीक, लालचंद एंड फलक, तो ये लोग इनके साथ में हुआ करते थे. अब आगे चलते हैं कि ये आर्टिकल में क्या मेंशन करता है. ठीक, तो आर्टिकल ये कहता है कि इन्होंने जो है पंजाब में काफ़ी एक्टिव रोल किया, एंड द कॉलोनियल अथॉरिटीज डिपोर्टेड राय. अच्छा, इनको मांडले भी भेजा गया था, जिस दौरान बाल गंगाधर तिलक को डिपोर्ट किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है सेडिशन के चार्ज में, उसी दौरान लाला लाजपत राय को भी मांडले भेजा जाता है म्यांमार में, जिसको हम लोग कहते हैं काला पानी वगैरह, ऐसे भी सजा के लिए. बट देन ही वॉज रिटर्न्ड क्योंकि इनके खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं होते थे. ठीक, और उसके बाद में जो एक मेजर इंसिडेंट होता है 1913 के आसपास,
1913 के आसपास कि ये जो है विदेशों में टूर जाते हैं, जापान में, इंग्लैंड में, यूनाइटेड स्टेट में, और वहाँ पर जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन अब ये वो दौर था जब वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो इसके कारण इनको जो है बाहर ही रहना पड़ता था। और वहाँ पर का क्योंकि जो नेविगेशन में थी, नेविगेशन में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, तो उस दौरान क्या हुआ था, इन्होंने इंडियन होम रूल लीग जो है अमेरिका में को स्थापित किया गया था। ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1917। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ही फाउंडेड इंडियन नेशनल, आई एम रिपीटिंग, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1917 में इन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक, एक होम रूल था वो तो दूसरा है जिसमें एनी बेसेंट एंड देन बाल गंगाधर तिलक का योगदान है, वो होम रूल मूवमेंट अलग देखते हैं। और जब उसके बाद में ही रिटर्न, जब वे वापस आते हैं तो अपान ही रिटर्न राय वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ये जो 1920 में एक सेशन हुआ था, 1920 में INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें क्या हुआ गया था, महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। एंड देन इसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, और इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप के अंतर्गत महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। एंड उसको पता है कि वो 1920-21 तक चलता है, और बाद में गांधी जी जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो वो जब पास किया गया था, वो INC के 1920 के सेशन में पास किया गया था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय थे। एंड देन और इसके बाद में ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस आर्टिकल में नहीं मेंशन है, कि ये जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, व्हिच इज़ नॉट मेंशन इन द आर्टिकल। और उसके बाद में हमको पता है कि जो 1928 के आसपास, 1928 के बाद, व्हेन ही वॉज रेसिस्टिंग साइमन कमीशन, ठीक, जो साइमन कमीशन आया था उसका ये विरोध कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो है साइमन ने गो बैक के नारे लग रहे थे, एंड ही वॉज रेसिस्टिंग वेरी हार्ड। तो उस समय जो है लाठी चार्ज हुआ था ड्यूरिंग प्रोटेस्ट इन लाहौर ऑन 30 अक्टूबर 1928 को। एंड उसके बाद इनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, एंड इट वॉज आफ्टर दिस दैट राय फेमसली सेड। और जब इनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा था तो इन्होंने एक ऐसी बात कही जो इतिहास में अमर हो गई। वो बात इन्होंने कही, द ब्लोज स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल्स इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। उन्होंने मरते मरते यही कहा कि ये जो लाठियां मेरे ऊपर पड़ रही हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेंगी। यही जो लाठी मेरे ऊपर पड़ रही है, इट द ब्लोज स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल्स, ना ये आखिरी कीले हैं जो ब्रिटिश ताबूत में गाड़ी जा रही हैं। मतलब कि ब्रिटिश रूल इज़ अबाउट टू एंड, अब ब्रिटिश रूल्स का भारत में ज़्यादा दिन नहीं रह गया, एंड विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि उसके लगभग 20 साल बाद हम ब्रिटिश को पूरी तरह से इराडिकेट करने में सक्सेस होते हैं। तो उनकी कंट्रीब्यूशन को इंडियन एक्सप्रेस में ट्रिब्यूट दिया गया है, ही वॉज रिमेम्बर्ड एंड सो वी आर डिस्कसिंग दैट आर्टिकल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी ही वॉज आल्सो रोट, उन्होंने काफ़ी लिखा भी है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ही इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क, इन्होंने आर्य समाज में जो यंग इंडिया थी उसमें भी लिखा करते थे, यंग इंडिया में गांधी जी भी लिखा करते थे। एंड इनके कई और सारे जो है आर्टिकल्स, जैसे इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ भागवत गीता, इंडियन फिलोसॉफी पर भी काफ़ी ये लिखते थे। एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन, ना डिप्रेस ग्लासेस एंड ट्रेवलॉग, ये जब अमेरिका जाते हैं तो उसका एक ट्रेवलॉग यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं। तो ही वॉज एक्चुअली दिस वॉज आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।